फ्रेंड्स, वेलकम टू भूमिका किचन। आज मैं बना रही हूँ सरसों का साग, और इस साग को मैं बिल्कुल पंजाबी स्टाइल बनाकर तैयार करूँगी। इसमें मैं डबल तड़का लगाऊँगी और पूरा साग को मैंने घी में बनाया है, बिल्कुल ट्रेडिशनल पंजाबी स्टाइल सरसों दी साग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए सबसे पहले इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। सरसों की साग बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम सरसों का साग लिया है, जिसके मैंने मोटे डंठल को तोड़कर अलग कर दिए हैं, और जो पतले और सॉफ्ट डंठल है उन्हें वैसे ही रहने दिया है। देखिए, ये मोटे डंठल अलग निकाल दिया है मैंने। इसके साथ ही मैंने एक पाव पालक का साग लिया है और एक पाव बथुआ लिया है। इसके भी मैंने मोटे डंठल को निकाल दिए हैं, बथुए के पत्ते को अलग कर लिया है। इसका मैं साग में इस्तेमाल करने वाली हूँ। ठंड का मौसम है, यहाँ मैंने थोड़े से मेथी पत्ते ले लिए हैं। इसका टेस्ट साग में बहुत अच्छा आता है। तो इन सबको अब हम अच्छे से झटक कर साफ कर लिए हैं। पालक बथुआ कोई सागों से एक बार झटक कर अच्छे से साफ़ करें, क्योंकि उस पर कभी कभी कीड़े भी होते हैं। और इसके बाद मैंने इन्हें इकट्ठा करके सुलझा कर बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। सबसे पहले मैं सरसों के साग को ही बारीक चॉप कर ले रही हूँ। जितना ज़्यादा बारीक आप चॉप कर सकते हैं उतना अच्छे से बारीक चॉप करिए, और फिर इन्हें हमें इसे अच्छे से पकाना होगा, क्योंकि ये मोटे डंठल कहीं होंगे तो फिर उन्हें हमें मिलाने में, मिक्स करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ अब हमारे सरसों की साग बिल्कुल कट कर तैयार है, और इसे मैंने जितना बारीक हो सका है उतना किया है। यहाँ वैसे ही मैं बथुए के साग को भी फटाक से काट कर बारीक बारीक चॉप कर कर तैयार कर लूँगी। और इसके साथ हम वैसे ही सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए बथुआ हमारा कट कर तैयार है, और इसके बाद हम पालक और अपनी मेथी को भी, पत्तों को भी कट करके तैयार कर लेंगे। ये बिल्कुल फ्रेश हैं, ताज़े हैं, और जब भी आप साग बनाएं तो फ्रेश और ताज़े पत्तों का ही इस्तेमाल करें, ताज़े, क्योंकि थोड़ा सा मुरझा जाने के बाद उनके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो आप फ्रेश साग का इस्तेमाल करें, साग ज़्यादा पुराना ना हो। और इनके मोटे डंठल, अगर ज़्यादा मोटे डंठल हो, टाइट हो, तो उन्हें निकालें। अगर सॉफ्ट डंठल हो तो आप पालक के गड्ढी से तो डंठल निकालें ही नहीं, क्योंकि डंठल में ही ज़्यादा प्रोटीन विटामिन होती हैं, तो उनको वैसे ही रहने दें, उन्हें काट दें। और ये पालक के जो डंठल होते हैं वो आराम से इजिली गल जाते हैं, पक जाते हैं, उन्हें पकाने में भी बहुत वैसा नहीं होता। सरसों से थोड़ा सा मोटे डंठल निकालने की ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ हमारे सारे साग कट कर तैयार है, और मैं इन सबको एक टोकरी में एक साथ ले ली हूँ। अब मैं इसे या तो आप बेसिन के नीचे, बहते नल के नीचे रख कर अच्छे से धुल लीजिए, लेकिन मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने ये पानी लिया है। ये नॉर्मल पानी है, ना गर्म ना ठंडा, बिल्कुल नॉर्मल पानी है। और मैं इसमें अपने साग को डालकर 3 से 4 बार धुल कर साफ़ करूँगी, क्योंकि पालक या किसी भी साग में थोड़ी सी मिट्टी तो होती है, तो इन्हें अच्छे से धुलें ताकि इनका सारा मिट्टी निकल जाए। नहीं तो जब हम पकाते हैं तो इनमें थोड़ा सा किरकिरापन रह जाता है, इसलिए इन्हें अच्छे से धुलना ज़रूरी है। और जब आप इसे धुलें तो इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दें, ताकि इनमें जो भी कुछ हो अच्छे से साफ़ होकर निकल जाए। नमक डालना ऑप्शनल है, आप डालें या स्किप करें, लेकिन नमक डाल के धुलेंगे तो ये पालक के साग अच्छे से साफ़ होंगे और अच्छा रहता है। और मैंने यहाँ वीडियो में 2 ही बार धुलते हुए दिखाया है, लेकिन मैंने इस साग को 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धुलकर साफ़ किया। अब मैंने गैस ऑन किया, उस पर कुकर रखा, उसमें मैंने 1 कप पानी लेकर रखा है। पानी में जब अच्छी उबाल आ जाएगी तब हम अपने इस पूरे साग को इसमें डाल देंगे, और इन्हें 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही खुला में पकने देंगे, जब साग खुद से थोड़ा पानी छोड़ दे। यहाँ मैंने 7 से 8 हरी मिर्च ले ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और 8 से 10 कली लहसुन की ले ली है। देखिए, हमारा साग भी पानी छोड़ रहा है, और इन सबको, जो हरी मिर्च, लहसुन, अदरक हो, उनको मैं अच्छे से बारीक क्रश कर लूँगी, क्योंकि इस साग में मिर्च थोड़ी ज़्यादा जाती है और मैं थोड़ी तीखी पसंद करती हूँ, इसलिए भी मैंने मिर्च ज़्यादा लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम कर सकते हैं, लेकिन सरसों के साग में थोड़ी मिर्च ज़्यादा जाती है, लहसुन और अदरक भी जाता है, तो उसका पूरा मात्रा डालें। यहाँ मैंने नमक डाला 1 टीस्पून, नमक पहले कम ही डालें, और फिर जो मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ली थी उन सबको यहाँ डालकर मिला लूँगी। 2-3 मिनट इन्हें ऐसे ही खुला पकाऊंगी, और देखिए अब हमारी साग बहुत ज़्यादा पानी छोड़ गई है। यहाँ मैं कुकर का ढक्कन लगाऊंगी और मीडियम फ्लेम पे मैं यहाँ 3 से 4 सीटी लगा लूँगी। सीटी लगाना ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना लगाएं, लेकिन वैसे साग को पकाने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और सीटी लगा लेने से जो भी उनके मोटे डंठल होते हैं या सरसों का साग थोड़ा टाइट होता है वो आसानी से पक जाता है। मैंने यहाँ इसको ट्रेडिशनल पंजाबी टच दिया है, इसलिए चने की साग का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो यहाँ 1 पाव चने की भाजी का इस्तेमाल करें,
चने की भाजी में थोड़ी सी खटास होती है जिससे सरसों का साग का टेस्ट और अच्छा आता है। और मेरा अब चार सीट आ गया था, मैंने प्रेशर निकलने के बाद खोल के फिर से इसे गैस से बैठाया और इसे मथनी से या कलछुल से ही आप अच्छे से मिलाएं, बहुत अच्छे से मिक्स करें। यहाँ मैंने मक्के का आटा लिया है और मैं यहाँ 3 टेबल स्पून मक्के का आटा इसमें डाल रही हूँ। इस समय अगर आप बिगनर हैं बना रहे हैं तो गैस के फ्लेम को ऑफ कर दें या स्लो कर दें और फिर इस आटे को अच्छे से मिला लें। अगर इसके अलावा आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसे डालकर अगर आप मिला लेंगे फटाफट तो मिला लीजिए, नहीं तो इस मक्के को आटे को ना आप थोड़े से पानी में पहले ही घोल कर रख लीजिए और इसके बाद मिलाइए ताकि वो आटा अच्छे से साग में मिल जाए, नहीं तो कहीं कहीं गुठलियाँ पड़ जाती हैं। अभी अब साग को अच्छे से पके इसलिए मैंने यहाँ इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, लेकिन पानी जब भी डालें तो उबला हुआ पानी का इस्तेमाल करें, साग को पकाने के लिए कभी ठंडा पानी ना डालें। तो इसमें अच्छी गर्म पानी का इस्तेमाल करें और 3 से 4 बार साग में पानी डालकर ज़रूर पकाएं। ये ना सोचें कि साग ने इतना पानी छोड़ा है तो अच्छे से पक गया है, और इसे अच्छे से मथें। मैंने 2 से 3 बार आपको वीडियो में दिखाया पानी डालते हुए, लेकिन मैंने 1 से 1.5 कप पानी इसमें इस्तेमाल किया है, डाला है, और 3 से 4 बार में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने साग को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे ही पकाया है। अब हम तड़का तैयार करते हैं। साग हमारा रेडी था। आप चाहें तो साग को मिक्सर में भी ठंडा करके पीस सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून घी डाला। घी गर्म होने पर मैंने हींग डाला। हींग का टेस्ट साग में बहुत अच्छा आता है। और 1 प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, उसे डाल दूंगी। मैंने फिर यहाँ से 4 से 5 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और 7 से 8 कली लहसुन की डाली है क्रश करके। इससे साग में मैंने पहले भी बताया कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये साग सूना सूना होता है, तो चटपटा बनाने के लिए यहाँ अदरक लहसुन हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मैंने यहाँ 1 टमाटर को भी बारीक काट लिया था, और टमाटर जल्दी पक जाए इसके लिए मैंने इसके साथ ही यहाँ थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ। नमक ध्यान से डालें क्योंकि मैंने साग को उबालते में भी डाला था। यहाँ आपको अपनी जो तड़के भून रहे हैं उसी के हिसाब से नमक का इस्तेमाल करें, और जब भी साग बनाएं तो नमक कम डालें क्योंकि हरी सब्जियाँ पकने के बाद गलकर आधी हो जाती हैं। तो नमक पहले कम डालें, फिर बाद में टेस्ट करके आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हैं। तड़का हमारा पककर तैयार है। तो अब हम इसमें जो साग अपना पका कर रखे थे उसे मिक्स करेंगे और इन्हें अच्छे से मिला के 3 से 4 मिनट पका लेंगे। इसके बाद हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये सारा प्रोसेस हमें मीडियम फ्लेम पे ही करना है, ना हाई पे ना बहुत ज़्यादा स्लो पे, ताकि साग अच्छे से धीरे धीरे पके और साग का टेस्ट भी अच्छा आए। अब हम सेकंड तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैंने एक तड़का पैन लिया, 1 टीस्पून घी डाला। घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो मैं 3 से 4 हरी मिर्च को बीच से चीरा लगाकर काट कर लिया है, और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च ले लिया है जिसे मैंने डालकर इतना तड़के को थोड़ा सा जला लूँगी। इन्हें पूरा नहीं जलाना है, बस हल्का सा सेकना है, और इसके बाद गैस के फ्लेम को ऑफ करें और इस तड़के को अपने साग के ऊपर डालें। तो अब हमारा पालक सरसों का साग बनकर तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।